नमस्कार, मैं खुशबू शुक्ला और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर एटा जनपद से है, जहां एक वृद्ध की गांव के ही पूर्व प्रधान और उसके अन्य तीन साथियों ने शराब पिलाने के बाद 20,000 रुपए लूट कर लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी और सभी आरोपी फरार हो गए। वहीं परिजनों ने थाना कोतवाली देहात में पूर्व प्रधान सहित तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले, ये पूरा मामला जनपद एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गाँव पालपुर का है, जहां एक 75 वर्षीय वृद्ध अपनी खेती के 20,000 रुपए लेकर गांव देनी जा रहे थे। तभी पहले से रास्ते में ट्यूबवेल पर शराब पी रहे गांव के ही पूर्व ग्राम प्रधान और उसके अन्य तीन साथियों ने जबरन वृद्ध को रोक लिया और उसे शराब पिलाकर 20,000 रुपए लूट लिए। उनको विरोध करने पर सभी आरोपियों ने उनकी लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की बात कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। रास्ते में दूसरे को राजपति राघवेंद्र को पैसे देने जा रहे थे 20,000 खेत में। वो धर्मेंद्र ड्यूबवेल प्रधान के पाए हो रही थी, कुछ लोग पहले थे उनको भी हटा लिया, जबरन पिलाई थी और पहले मेरे जी हमारा तो आपके भाई पहले से पीते थे क्या? हाँ बहुत हो गया, ऐसी मैं पीती थी। नहीं पीते थे? किन लोग किन किन लोगों ने मारा है? नाम बताओ। वो सत्येंद्र प्रधान है और सीटू है, ताराचंद नाम है, ऊपर सीटू बोलते हैं। आपने FIR की है? हाँ।